डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू विष्णु क्लासेस। हम जैसे कि सोशल मार्जिनलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे और हमने जो है फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बहुत जान भी लिया है, हम आगे जो है अब स्टार्ट करेंगे माइनॉरिटी से। सो माइनॉरिटी क्या होती है, आप सभी को मोस्टली पता ही होगा कि जो कम नंबर में या स्मॉल इन प्रपोर्शन हम कह सकते हैं बाकी पॉपुलेशन से कम होती है न्यूमेरिकली, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है माइनॉरिटी। ठीक है, तो ये कई बार क्वेश्चन बन सकता है। द टर्म माइनॉरिटी इज मोस्ट कॉमनली यूज टू रेफर टू कम्युनिटीज दैट आर न्यूमेरिकली स्मॉल इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन। जैसे कि आप इसके एग्जाम्पल ले सकते हो कि हिंदू जो हैं वो ज़्यादा हैं, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चन्स जो हैं वो कम हैं। सो माइनॉरिटीज़ कौन से होते हैं जो कि न्यूमेरिकली कम होते हैं बाकी पॉपुलेशन से। ठीक है, और फिर बात आती है कि मेजॉरिटी की डोमिनेशन ना हो, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ जो हैं उनके भी जो हैं मतलब जो उनके राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके, सेफगार्ड किया जा सके। क्योंकि आप देख ही सकते हो कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि हमेशा मेजॉरिटी विन करती है, जिसने ज़्यादा जिसको वोट डाले वो जीत जाएगा, उसके अकॉर्डिंग जो है गवर्नमेंट काम करेगी, गवर्नमेंट चूज़ भी उसके द्वारा की गई है, तो गवर्नमेंट जो उस अकॉर्डिंग काम करेगी। तो इसीलिए मेजॉरिटी जो है डोमिनेट ना करे, इसीलिए माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ जो है रिजर्वेशंस भी रखी गई हैं। ठीक है, जैसे कि पहले बात की थी, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से ही कहा गया था कि कुछ जो है रिजर्वेशंस रखनी चाहिए, ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ से भी जो है कुछ लीडर्स आगे आएँ। ठीक है, और ये इसीलिए है ताकि मेजॉरिटी की डोमिनेशन ना हो। बाकी अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये सारे सेफगार्ड्स जो हैं वो हमें दिए हैं, प्रोवाइड किए हैं। क्यों प्रोवाइड किए हैं? ताकि हमारे जो इंडिया है उसमें उसकी कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो बनी रहे और इक्वालिटी रहे। ठीक है, जस्टिस भी रहे सभी के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा ना कहे कि जो मेजॉरिटी है उसके अकॉर्डिंग ही सब चलता रहता है ना, तो उसके लिए कुछ रिजर्वेशंस जो हैं मेजॉरिटी के अकॉर्डिंग जो है सब चलता रहता है, ऐसा ना कहे, इसलिए माइनॉरिटी के लिए भी जो है कुछ रिजर्वेशंस रखी गई हैं, ताकि उनके भी जो है सुनी जा सके और उनको भी प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, और इंडिया जो है वो एक कल्चर, वो एक डिवर्स नेशन है, और उसे प्रोटेक्ट करने के लिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये सब जो है ऐड किए गए हैं। चाहे हम वुमेन के लिए रिजर्वेशन की बात करें, चाहे हम जो हैं कास्ट सिस्टम के बेस पर रिजर्वेशन की बात करें, माइनॉरिटीज़ के बेस में बात करें, इलेक्शंस में, एजुकेशन में, हर एक फील्ड में जो है कुछ रिजर्वेशन रखी गई हैं ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके। ठीक है, अब मुस्लिम्स की अगर हम बात करें तो मुस्लिम्स जो है वो 13.4% हैं इंडिया की पॉपुलेशन में। ठीक है, और उन्हें जो है मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कहा जाता है। अब आपको ये बहुत ही क्लियर होगा कि मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कौन सी होती है, जो कि न्यूमेरिकली कम होती है विद कंपेयरिंग टू अदर कास्ट। ठीक है, सो मुस्लिम्स कितने हैं, 13.4% है, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ऐसा भी कई बार आ सकता है। अब हम बात करें कि जितने भी बेनिफिट्स हैं, चाहे एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे वो डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं, चाहे लिटरेसी से रिलेटेड हैं, चाहे कुछ भी हैं, सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो सभी के लिए हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए सिर्फ मेजॉरिटी को जो है प्रोवाइड किए जाएँ और माइनॉरिटी को ना प्रोवाइड किए जाएँ, इसीलिए जो है रिजर्वेशंस वगैरह रखी गई हैं। आप देख सकते हो कि इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो बहुत जो है उनको कम सीट्स जो हैं मिल रही हैं अगर हम बात करें तो। इसीलिए जो है एक गवर्नमेंट ने एक मीटिंग की थी, कमेटी बिठाई थी 2005 में, ताकि मुस्लिम्स जो हैं उनको भी उनके राइट्स मिल सकें। ठीक है, और मुस्लिम कम्युनिटी बहुत ही कम है, और इसीलिए मुस्लिम कम्युनिटी को जो है रिपोर्ट करने के लिए सुजेस्ट किया गया था, जैसे एससीज और एसटीज हैं वैसे ही मुस्लिम कम्युनिटी को रखा गया था, ताकि उनकी भी जो है रिजर्वेशन हो सके और उनको भी जो है राइट्स मिल सके। मुस्लिम में ये तो आप सभी को पता ही होगा कि मुस्लिम्स जो हैं उनमें कस्टम्स चलते हैं, जैसे कि बुर्का हो गया। ठीक है, तो बाकी जो हैं उन्हें इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि बुर्का पहना हुआ दैट मीन्स दे आर मुस्लिम, है ना, कर सकते हो ना कि अगर कोई पहन के आया है बुर्का वगैरह तो हमें लगता है कि ये मुस्लिम है ना। तो कई बार जो है हम उनके साथ इन द सेंस कि कोई डिफरेंट कास्ट वाला है तो उनके साथ जो है हम अच्छा ट्रीट नहीं करते, जो कि गलत है। हमें हम जो है एक इंडिपेंडेंट इंडिया के
नागरिक हैं जिसमें सभी जो है इक्वल हैं और सभी को इक्वली जस्टिस प्रोवाइड किया जाना चाहिए। इसीलिए जो हैं रिजर्वेशंस रखी गई हैं, जैसे कि अनटचेबल्स जो हैं जो पहले थे उनके साथ बहुत गलत किया जाता था। कास्ट ही है और कास्ट सभी ह्यूमंस ही हैं और सभी ह्यूमंस को एक जैसा ट्रीट करना चाहिए, लेकिन उनके साथ क्या, उनको अनटचेबल कहा जाता था और उन्हें जो है मंदिर में नहीं एंटर करने दिया जाता था, जो कुछ गलत था। ठीक है, सभी जो है सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होने चाहिए, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है ऐड किया हुआ है। इसीलिए जो है अगर कोई कम्युनिटीज़ कम रेशो में हैं तो उनके लिए जो है कुछ मार्जिन्स रखे जाते हैं ताकि उस कम्युनिटी की भी जो है डेवलपमेंट हो सके। सो सोशल मार्जिनाइजेशन जो है मुस्लिम्स की भी रखी गई है। ठीक है, चाहे वो उस टाइम पर माइग्रेट होके आए जिस टाइम पर जो है इंडिपेंडेंट हुए थे हम। ठीक है, तो जो भी इंडिया का नागरिक है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने से पहले हिंदू इंडिया का नागरिक है। ठीक है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो हिंदू है या मुस्लिम है या वो सिख है, वो क्या है, ह्यूमन है। ठीक है, एक ह्यूमन की तरह सभी को जो है क्या करना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। यही जो है मेन मकसद है मार्जिनलाइजेशन का, ताकि कुछ रिजर्वेशन रखी जाए और धीरे धीरे जो है ये जो कास्टिज्म का गैप है वो ख़त्म किया जा सके। अगर हम इंडिया की बात करें तो बहुत सारी जो है मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि दलित्स वगैरह हैं। ठीक है, और इन जो है इसीलिए इन सभी को राइट्स दिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि अगर हम वुमेन की बात करें 33% रिजर्वेशन रखी गई हैं उनके लिए, डेवलपमेंट के लिए जो है काम किए जाते हैं ताकि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं वो भी आगे आएँ और उनकी भी जो है डिवेलपमेंट हो सके। चाहे वो कल्चरली डिफरेंट है लेकिन फिर भी जो है वो क्या है, भारत के रहने वाले हैं। तो इसीलिए जो है आज हमने जो है सोशली अंडरस्टैंडिंग सोशल मार्जिनलाइजेशन के बारे में जानना है। तो इसमें से जो है कुछ ही क्वेश्चन बन सकते हैं, आदिवासी जो है कौन कौन से स्टेट्स में रहते हैं ये आप देख लीजिएगा एक बार, फिर उसके बाद जो है कौन कौन आदिवासी को कौन कौन से रिलीजन्स जो हैं, कौन सा रिलीजन मानते हैं या फिर कौन सा रिलीजन जो है इन्फ्लुएंस है, अलग अलग रिलीजन से वो इन्फ्लुएंस है, ये क्वेश्चन बन सकता है। यही मेन जो क्वेश्चन बन रहे हैं, इसमें से ज़्यादा नहीं बन रहे। ठीक है, 45% जो है ट्राइबल ग्रुप है पॉवर्टी रूरल एरिया में पॉवर्टी लाइन के अंडर, और 35% जो है वो अर्बन एरिया है, ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद मुस्लिम्स जो हैं 13.4% है, मेन मकसद है कि सभी को इक्वालिटी प्रोवाइड करना, जस्टिस प्रोवाइड करना। ठीक है, चाहे वो एससी है चाहे वो एसटीज़ है। 2005 में कमेटी बिठाई गई थी ताकि मुस्लिम्स जो हैं उनको भी जो है राइट्स मिल सके, उनकी डेवलपमेंट के लिए जो है ये किया गया था। ठीक है, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, सभी को ही आता होगा कि मुस्लिम्स जो हैं बुरका पहनते हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं। इसमें जो है सी टेट में ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये सारे समझने वाले हैं, और समझने वाले क्वेश्चंस जो हैं ऐसे ही आपको कई बार लाइन दे दी जाती है। आप जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देती हूँ, आपको पूछा जाएगा दलित्स के बारे में, अगर हम कहें कि इन इंडिया देर आर सेवरल मोर मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ लाइक दलित। ठीक है, फिर आप असर्शन रीज़न के फॉर्म में आ जाता है और फिर दूसरी दे दी जाएगी। आपको अगर पता होगा कि मार्जिनलाइजेशन में ही हैं दलित्स तो फिर आपको पता होगा कि ये सही है। ठीक है, फिर आप दूसरी देखोगे, जैसे कि दूसरी यही ले लेते हैं, मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ वॉन्ट टू मेनटेन देयर कल्चरल डिस्टिंगटिवनेस, इतनी दी हुई है तो ये भी सही है ना। तो आपने असर्शन रीज़न लगाया कि मार्जिनलाइज कम्युनिटी दलित है और मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ के में बताया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ट्रू हो गए और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, अगर ऐसा भी कुछ क्वेश्चन आया हो तो इस तरीके से जो है चाहे वो पीएस टेट हो चाहे वो सी टेट हो क्वेश्चन बनते हैं। इसमें से जो है सिर्फ समझने वाले क्वेश्चन थे, रटने वाले नहीं थे, और पीएस टेट में जो है इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, एक आधा क्वेश्चन आ सकता है, एक दो क्वेश्चन सी टेट में इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, सो आज हमने जो है अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन के बारे में जाना है। सो होप यू लाइक दिस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर एंड मोर वीडियोस, एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल। थैंक यू।